आप लोग को हर कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी गुरुदेव जी को आप लोग जानते ही हैं। उनका नाम है दोस्तों धीरेन्द्र केशनाथ शास्त्री पंडित। दोस्तों बता दूं कि उनका दरबार जो है देश विदेश हर जगह लगता ही लगता था। दोस्तों बता दूं कि आज हुआ पूरा 22 साल से, हाँ आज पूरा 22 साल से वह जो दरबार लगाते हुए आए हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र केशनाथ शास्त्री पंडित, वह दोस्तों नागपुर में दरबार लगाए थे। हाँ नागपुर में दरबार लगाए थे। वहां पर दोस्तों बता दूं कि बहुत सारा जो है बवाल हुआ, वहां पर जो बताया जाता है गुरुदेव जी को चैलेंज भी किया गया था। लेकिन दोस्तों बता दूं कि गुरुदेव जी का यह कहना है कि मुझे आने के बाद चैलेंज हुआ है। दोस्तों बता दूं वही जो है नागपुर का थाना में जो है गुरुदेव जी के नाम पर जो कंप्लेन भी दर्ज किया गया था। दोस्तों बता दूं उसके बाद जो है नागपुर थाने के, और दोस्तों बता दूं कि छतरपुर थाने के थाना जो है वह बागेश्वर धाम जो है गुरुदेव जी को पकड़ने के लिए आज आ गया था। हाँ दोस्तों गुरुदेव जी को सबसे पहले नोटिस भेजा था, उसके बाद दोस्तों बता दूं कि दो थाना जो है गुरुदेव जी के यहाँ आ गया था यानी बागेश्वर धाम पहुंच गया था। दोस्तों बता दूं उसके बाद जो है वहां पर जो है पर्चा पल्ली के कैसे बताते हैं, इसमें क्या सच्चाई है, सभी कुछ दोस्तों बता दूं। वहां पर जो है लाल कपड़े में जो नारियल बांधा जाता है उसमें क्या सच्चाई है, उसके पर्चा में जो लिखा जाता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है, सभी कुछ जो है दोनों थाना जो है वह चेक किया। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि गुरुदेव जी का जो है वह बातचीत किया गुरुदेव जी से, गुरुदेव जी से जो लाइव जो है वह पूछताछ भी किया और लाइव में वह जो है अपने बारे में वह लिखवाया है। दोस्तों बता दूं वह जो थाने वाले यानी पुलिस ने यह बोला कि अगर सच में अगर आप देखते भाग भविष्य तो मुझे बारे में आप लिख के बताइए। उसके बाद दोस्तों बता दूं कुहा जो गुरुदेव जी जो है वह उसके बारे में ही उसके सामने में पर्चे पर लिख के हर कुछ उसका पूरा खानदान का नाम तहत वो बता दिए। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि दोनों जो है थाना का जो है पुलिस वापस लौट गया है लेकिन अभी केस कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वह दोस्तों बता दूं कितना ही कह के गया है कि अगर आप सही है तो उसको आप सबके सामने सही साबित कीजिए। लेकिन दोस्तों बता दूं इसमें जो गुरुदेव जी का यह कहना है कि हम किसी को प्रूफ नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि अभी जो है यह केस जो है अभी जारी है लेकिन अभी जो है गुरुदेव जी अभी गिरफ्तार बिल्कुल नहीं हुए। हाँ गुरुदेव जी अभी गिरफ्तार बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा भी अभी आप लोग को इंटरनेट पे आप लोग को मिलेगा वीडियो देखने के लिए, बिल्कुल अभी फेक बताया जा रहा है, कुछ भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सिर्फ पूछताछ के लिए आया है। तो दोस्तों आप लोग गुरुदेव जी के बारे में कितना